हेलो एवरीवन, आज मैं अपने प्लाट पे आई हूँ। काफी समय बाद यहाँ मैं आई हूँ और देखा कि यहाँ पे कर्मी का साग उगा हुआ था जिसे मैं तोड़ कर ले आई हूँ। और आज मैं इसी से रायता बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और जब मैंने इससे बनाया रायता तो सभी को बहुत पसंद आया और बहुत ही टेस्टी लगा सभी को, जिसका वीडियो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। आगे देखते हैं कि ये किस तरह से मैंने बनाया है रायता को, तो इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे साग को अच्छी तरह से साफ करके धुल लिया है और हमें इसका पत्ता केवल लेना है और जो ऊपर का नाजुक भाग होता है उसे ही हम लेंगे, बाकी हम डंठल को हटा देंगे। तो इसके पत्ते को हम तोड़ लेते हैं और ऊपरी हिस्सा जो मुलायम होता है हम उसको ले लेंगे। इस तरह से हमें पत्ते को ले लेना है और बढ़िया से इसको धुल के ही लेना है, क्योंकि मिट्टी उट्टी लगी रहती है तो इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना है और देख भी लेना है कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो। तो इस तरह से हमें ले लेना है पत्तों को और खराब पत्ते हमें निकाल देना है। तो डंठल का यूज हम इसमें नहीं करेंगे, केवल पत्ते ही हमें लेना है रायता बनाने के लिए। तो इस तरह से पत्तियों को हम ले लेते हैं तोड़ के और इसे हम बारीक काटेंगे। तो अभी हम पत्तियों को बीन लेते हैं, अच्छी तरह से साफ साफ ले लेते हैं, जो कटा पिटा ना हो, जो कीड़ा खाया ना हो, तो उसी उन्हीं पत्तियों से हम रायता बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पत्तियों को निकाल लिया है और डंठल को हटा दिया है। तो कर्मी का साग भी बनता है, तो साग में तो डंठल का यूज भी हो जाता है, पर हम यहाँ रायता बनाएंगे इसलिए हमने पत्ती को ही लिया है और उसके ऊपरी हिस्सा जो थोड़ा सा नाजुक होता है, मुलायम होता है, उसको हमने लिया है। तो इसे अब हम बारीक काट लेते हैं। तो सारे पत्ते को हमें काट लेना है बारीक। और आप चाहे तो इसे पलहारी रायता भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कलमी का साग होता है ना, व्रत में भी यूज किया जाता है, व्रत में ही भी इसे खा सकते हैं, सेंधा नमक डालकर बनता है। तो इस तरह से अगर रायता बनाना हो व्रत में तो आप सेंधे नमक डालकर ही रायता बनाइए जिसे व्रत में खाया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने इसे बारीक काट लिया है और अब इसे चलते हैं बना लेते हैं। तो कढ़ाई रखकर हमने उसमें तेल डाल लेना है, तो तेल अपनी पसंद का डालेंगे जिसमें आप बनाते खाते हो। तो मैं यहाँ पे सरसों ऑयल यूज कर रही हूँ, तो 2 चम्मच हमने छोटे चम्मच से तेल डाल लिया है। अगर आप इसे व्रत में खाने के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे देसी घी का यूज करिए और हींग स्किप करिए, हींग को नहीं डालेंगे अगर हम व्रत में खाने के लिए बनाएंगे तो। और वैसे हम व्रत में बना नहीं रहे हैं, इसे ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सरसों ऑयल यूज किया है। और अब डाल देते हैं इसमें साग को जो हमने बारीक काट के लिया था। तो साग डालने के बाद इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक ताकि जल्दी से गल जाए साग हमारा। और इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा हम पानी भी इसमें डाल देंगे ताकि सॉफ्ट होने में आसानी रहेगा। और इस तरह से मिलाने के बाद हमें इसे ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से साग जो है ना गल जाए, पक जाए। तो 2 मिनट के बाद हम देख लेते हैं इसे, और इसे हम चला के देख लेते हैं, साग अच्छी तरह से ये गल चुका है। इसे थोड़ा सा हम स्पैचुला से ही मैश कर लेंगे चलाते हुए और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हो, मॉइस्चर हो, वो थोड़ा सा सूख जाए और ये थोड़ा सा सौंधा हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया है और ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब क्या करते हैं कि इसे हम उतार लेंगे, किसी प्लेट में निकाल लेंगे या कटोरी में निकाल लेंगे या कढ़ाई में ही छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसे दही में डालेंगे। तो इस तरह से हमने चलाकर स्पैचुला से थोड़ा सा मैश कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से और भी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा गल जाए। तो इसे हम छोड़ देते हैं एक साइड करके, ठंडा होने देते हैं इसे। और अब हमने लिया है 2 कटोरी लगभग ये दही है, तो दही ताजा ही होना चाहिए, खट्टा दही नहीं अच्छा लगता है रायता में, बहुत ज्यादा खट्टा, हल्का खट्टा होता है तो चल जाता है। और इसे हम क्या करते हैं, फेंट लेते हैं, फेंट के हम स्मूथ कर लेंगे ताकि इसमें जो दही के थक्के हैं वो बराबर हो जाए, मिल जाए, बढ़िया सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमें कर लेना है और हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं।
और जो भी बाउल में दही लगा है उसे अच्छी तरह से हम पानी डाल के ले लेंगे। थोड़ा सा हम पानी भी इसमें डाल लेंगे, लगभग आधा कटोरी पानी हम इसमें डाल के थोड़ा सा पतला करेंगे। बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं बनाना है रायते को, तो थोड़ा सा हमने पानी डाला है। दो कटोरी हमने दही लिया था तो इसमें हमने आधा कटोरी लगभग पानी डाल लिया है। और इस तरह से हमें बना लेना है, ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ज्यादा पतला ही हो। तो इस तरह से हमें दही को फेंट के तैयार कर लेना है और उसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स डाला है और एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच के लगभग हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, तीखा वाला नहीं है ये, कश्मीरी लाल मिर्च है। और साथ ही हमने स्वाद अनुसार नमक इसमें ले लेते हैं, सफेद वाला, तो बहुत थोड़ा सा ही हमने सफेद नमक लिया है। और आधा चम्मच हमने लिया है काला नमक, तो काला नमक रायते में टेस्ट को बढ़ाता है इसलिए हमने काला नमक ज्यादा लिया है थोड़ा सफेद नमक से। और अब डाल लेते हैं इसमें कलमी का साग जो हमने तैयार किया था, तो उसे हम डाल देते हैं इसमें। सारी चीजों को डालने के बाद हम इसे मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को इसमें रायते में चलाते हुए। और इसे हम मिलाने के बाद इसको तड़का देंगे, तो इसे हम अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं ताकि बढ़िया से मिल जाए इसमें। और ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है रायता अगर कलमी साग का बनाया जाए तो। एक बार आप इसे जरूर बनाइए, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत परफेक्ट है, न ज्यादा पतला है और न ज्यादा गाढ़ा है। तो अगर इसी तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। और अब चलते हैं इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे, तो इसे छोड़ देते हैं अभी और बस इसे एक साइड में करते हैं। और अब तड़का देने के लिए हम चलते हैं गैस की तरफ, तो गैस को ऑन करके हम उस पे रख लेते हैं एक कटोरी जिससे हमें तड़का देना है। और उसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद का ऑयल, तो यहाँ पे हम सरसों ऑयल यूज करेंगे क्योंकि हम व्रत में इसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम सरसों का यूज यहाँ पे करेंगे तड़का देने के लिए। अगर व्रत में खाना होता तो इसे देसी घी से हम तड़का देते हैं यहाँ पे, और सिर्फ जीरा डालकर ही हम इसको रायते को तड़का देते। तो यहाँ हमने सरसों ऑयल हमने इसमें डाल दिया है और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डाल लेते हैं 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। तो हींग के हल्का जलने के बाद हम डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच जीरा, तो जीरा को भी हम चटकने देते हैं। और अब डाल लेंगे इसमें लगभग आधा चम्मच बारीक वाली राई, तो इसे भी हम डाल देते हैं इसमें और चटकने देते हैं। राई बहुत चटकता है इसलिए हम पलटे से इसे ढक देते हैं ताकि छिटके नहीं इधर उधर। और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा चटकने के बाद तड़का, हम इसे हटा लेते हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम रायते में मिला लेते हैं। तो अब ले चलते हैं इसे रायते में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें रायते को तड़का दे देना है और आप देख सकते हो कि रायता हमारा देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आप कलमी का साग का रायता बनाइए तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा, आपको जरूर पसंद आएगा। तो इस तरह से हमने तड़का देने के बाद इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है और इसे हम सर्व कर सकते हैं अपने पसंद के खाने के साथ। जिस चीज से भी आप इसे खाना पसंद करते हो आप इसे सर्व कर सकते हो उस चीज के साथ, या ऐसे ही आप खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं और रायता हमारा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। आप इस तरह से एक बार जरूर बना के खाइए, आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए। और इस तरह से हमने कलमी के साग का रायता बना के तैयार कर लिया है, तो इसे एंजॉय किया जा सकता है किसी भी चीज के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।